अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वोर्टेक्स राइड एंड एमवी गैराज। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो लेकर, और थंबनेल को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट अटलांटिस का एक कलर बनाया है, मतलब पेंट जो इसका मैंने चूज़ किया था और जिस चीज़ के मैं ताकुब में था, बिला आखिर चार अटेम्प्ट्स के बाद मैं फ़ाइनली एक सॉलिड रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ। देखिए, ये कलर आपको जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फाइटर जेट्स के कलर से काफ़ी मिलता जुलता है। मेरा जो पर्सनल शौक है या जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा स्टडी करता हूँ, मैं फ़ाइटर जेट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी अर्से से मैं मतलब इनको स्टडी करता आ रहा हूँ और इनके सिस्टम देखता आ रहा हूँ। जिस तरह आपकी एक हॉबी होती है, इसी तरह ये भी मेरी एक हॉबी है। तो मैं इनके कलर से बहरहाल बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। बिलखसूस आप अगर बात करें 4.5 जनरेशन की या 5th जनरेशन के फ़ाइटर्स, तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं 5th जनरेशन फ़ाइटर्स की तरह एक कलर डेवलप करूं, जिसमें बेसिकली अभी आपका F-22 रैप्टर, F-35 ये दो जहाज़ आते हैं, और इवन रशिया का SU-57 भी इसी में आता है। बट जो F-22 और F-35 का कलर है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। खैर, एनी हाउ, उनकी मैंने ट्राई की, इंशाल्लाह वो भी जल्द बनाऊंगा। पर इस वक्त मैंने जो कलर बनाया वो नियरली आपके पास आया है F-15 स्ट्राइक ईगल का। अब ये त्यारा बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल था एयर टू एयर रोल्स में, और इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसके पास 115 विक्ट्रीज हैं और ज़ीरो लॉस है। तो इसी के कलर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मैंने मतलब टाइम तो लगता है, देखें चार अटेम्प्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, इतने अटेम्प्ट्स लगी और उसके बाद जाकर मैं वो चीज़ अचीव कर पाया। खैर, आपको भी ग्रीनिश इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये कुछ कैमरा की और कुछ नाइट टाइम जो आपको पता है लाइट की वजह से कुछ फ़र्क आ जाता है। हाउएवर, ये जो शेड है ये हल्का सा ब्लूइश ज़रूर है, ठीक। तो ये मतलब 100% वो कलर तो आप नहीं अचीव कर सकते, पर आप बिल्कुल नियरली 90% तक उसको टच कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मैंने भी ये चीज़ अचीव की है, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है अटलांटिस, उसमें मतलब काफ़ी सारी जो इंस्पिरेशंस हैं वो इसी फील्ड से ली गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर, उसके अलावा इसके जो एक एक छोटा छोटा काम है या कंपोनेंट है, वो एग्रेसिव हो लुकिंग में। खैर, अगर इस पेंट की थोड़ी सी डिटेल की बात करूं, तो ये कॉम्बिनेशन है 5 मुख्तलिफ पेंट्स का, तब जाकर ये शेड मुझे अचीव हुआ है। अब इसमें एक ख़ास बात ये है कि तकरीबन शाम के टाइम या रात के टाइम ये कलर आपको डिफरेंट सा फील होगा, पर डे लाइट में मतलब सूरज की रोशनी में आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। तो मतलब काफ़ी, इंशाल्लाह जब आप इसको देखेंगे अपनी आँख से, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो खैर, आपने मुझे बताना है आपको ये कलर किस किस्म का लगा, और आप क्या कहते हैं कि क्या मुझे इसके अलावा कोई और कलर डेवलप करना चाहिए अपने बाइक के लिए, तो ज़रूर बताइएगा, और यही सजेशंस पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो साथ ही मैं एक ये बात भी अनाउंस करने वाला था कि मैं अपने 2016 YBR के OEM कंपोनेंट्स को सेल कर रहा हूँ। इसमें चंद कंपोनेंट्स शामिल हैं, जैसे इसमें टेल सेक्शन हो गया, उसके इंडिकेटर्स हो गए, उसका हेडलाइट वाइज़र हो गया। मेरे पास चूँकि YBR ESD 2016 है, और आप जानते हैं कि ESD 2016 की क्वालिटी टॉप नॉच थी, तो इसमें किसी किस्म के मतलब शक के गुंजाइश नहीं रह जाती। तो खैर, अगर आप इंटरेस्टेड हों ये पार्ट्स लेने के लिए, बेसिकली इसमें टेल लाइट भी आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये पार्ट्स लिख दूंगा आपके लिए। तो अभी स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पे मैसेज करें, और इसी तरह इंशाल्लाह मतलब अगर आपको ज़रूरत हुई तो इसकी प्राइस में मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, अल्लाह हाफिज़।